Assalamu alaikum students, let's start our lecture number 7 of unit number 2. Open your page number 33. अब इस केस में हमारे पास फर्स्ट हमारे पास हो गई एडिशन, देन हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया सब्ट्रैक्शन को, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन को भी सॉल्व करने का वही मेथड है जैसे हमने एडिशन को हमने सॉल्व किया था राइट साइड से. यानी कि यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो डिजिट्स को हमने राइट साइड से काउंट करके सारा सॉल्व करना है. एक एग्जांपल वर्ड्स प्रॉब्लम की सूरत में हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको उसी तरह ही बाकी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाएंगे. ये ऊपर वाले क्वेश्चंस को आप एग्जांपल्स देखते हो खुद सॉल्व करेंगे. हम वर्ड्स प्रॉब्लम का डिस्कस करने जा रहे हैं. सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम. मिस्टर डेविड स्पेंड्स रुपीज 342 every month on his medicine. How much does he need to spend in 3 years? Okay. क्या है, मिस्टर डेविड जो है वो अपनी मेडिसिन पर हर मंथ कितने रुपीज खर्च कर रहे हैं? 342 हर मंथ. यानी कि फर्स्ट मंथ उन्होंने मेडिसिन पे 342 रुपीज़ लगाया, सेकंड मंथ में उन्होंने मेडिसिन पे 342 रुपीज़ लगाए. हाउ मच डज ही नीड टू स्पेंड 3 ईयर्स, नॉट अ मंथ. अब 3 ईयर्स का हमने फाइंड आउट करना है. जब हमें 3 ईयर्स का हमने फाइंड आउट करना है तो मीन्स के हमें सिर्फ किसका गिवन है, 1 मंथ का तो ऑलरेडी गिवन है हमें, 1 मंथ का हमें गिवन है. इसका मतलब 1 मंथ का गिवन है तो हमें पहले 1 ईयर का फाइंड आउट करना होगा. जब तक हमें 1 ईयर का फाइंड आउट नहीं करना होगा अमाउंट, तब तक हम 3 ईयर्स की अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते. आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, अमाउंट स्पेंड इन एवरी मंथ, हर मंथ कितनी अमाउंट. आपने इसका एक प्रॉपर एक रफक बना लिया, रुपीज 342. अब अमाउंट स्पेंड इन 3 ईयर जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. वर्ड प्रॉब्लम का प्रॉपर आपको मेथड याद है रफ की, आपने लाइन लगानी है सबसे पहले, फिर आपने सॉल्यूशन डाल के स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपने अमाउंट को लिखना स्टार्ट करना है. 3 ईयर्स की हमने फाइंड आउट करनी है जबकि हमें 1 ईयर की पता ही नहीं है, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. 12 मंथ्स की हम इजीली निकाल सकते हैं जबकि हमें 1 मंथ की गिवन. अमाउंट स्पेंड इन अ ईयर, ईयर के आगे मैंने लिख दिया हुआ है कि 12 मंथ्स में हम 12 मंथ्स की हम फाइंड आउट कर लेंगे. यानी कि फर्स्ट मंथ की अमाउंट को अगर हम टू मंथ्स की करते हैं मीन्स के 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स करते हैं तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और 4 मंथ्स की निकालते हैं तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा. इवन के हमने 12 मंथ्स की यानी कि एक ईयर की निकालनी है तो इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले 1 ईयर की निकालेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा. मेथड देख लें मल्टीप्लीकेशन का, यहीं से आप इसी पैटर्न को माइंड में रखते हो. आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करना है. लेफ्ट राइट साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 3 इज़ 6. नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस लगा देंगे. जब भी आपने अगले अगले स्टेप जाने हैं आपने क्रॉस को इंक्रीज करते जाना है. फर्स्ट आपने अमाउंट सिंपल सॉल्व करनी है, देन आपने अगर नेक्स्ट अमाउंट में जाना है 1 क्रॉस लगाएंगे, थर्ड अमाउंट होंगी तो थर्ड अमाउंट पे आपने 2 टाइम क्रॉस लगाना है. 1 टाइम 2 इज़ 2, 1 टाइम 4 इज़ 4, एंड 1 टाइम 3 इज़ 3. अब इनको हमने हमारे पास दोनों का अमाउंट्स की सॉल्यूशन आ गया, तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके ऐड कर लेना है. 4 4 इज़ 4, 8 एंड 2 That is 10, 1 कैरी आपके पास आ गया. 6 एंड 4 10, 10 एंड 1 11, देन 1 कैरी हमारे पास आंसर आ गया 4104. ये हमारे पास कितने मंथ्स की अमाउंट आ गई, 12 मंथ्स, यानी कि एक ईयर की हमारे पास अमाउंट आ गई 4104. ये हमारे पास अभी हमने 1 ईयर की निकाली है. जाहिर सी बात है हमें 1 ईयर की नहीं पता थी. जब तक हमें 1 ईयर की नहीं पता होगी हम 3 ईयर्स की कैसे निकाल सकते हैं. अब 1 ईयर की हमें अमाउंट पता चल गई है, डेट इज़ ₹4,404. इसी तरह ही 2 ईयर्स की निकालनी हो तो 1 ईयर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ईयर्स की निकालनी हो तो हम 1 ईयर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह ही जब हमने ये अमाउंट को लिखा 1 ईयर की, अमाउंट स्पेंड्स इन 3 ईयर, 1 इन अ ईयर एंड इन अ 3 ईयर, डेट इज
मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। इसी के नीचे अगर मैं एंडिंग लाइन नहीं लगाती तो इसी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। 3 टाइम 4 इज 12, 1 इधर कैरी आ जाएगा तो 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा बिकॉज 3 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 1 1, 3 1 इज़ 3 एंड 3 4 इज़ 12। हमारे पास अमाउंट आ गई 3 ईयर्स की, यानी कि 3 ईयर्स में वो कितने अमाउंट स्पेंड करता है मेडिसन पर, रुपीज 12,312। इनको सॉल्व करते हुए आपको मेथड का भी अंदाजा हो गया और वर्ड्स प्रॉब्लम का आपको एक प्रॉपर पैटर्न भी पता चल गया। अच्छा, थोड़ा सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, उसको भी हम अगेन देख लेते हैं, लेकिन आपने मल्टीप्लीकेशन में रूल यही फॉलो करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, पार्ट बी। 483 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, देखें, इन 2013, यानी कि 483 स्टूडेंट 2013 में अपेयर हुए हैं एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, यानी कि 2013 में हमें स्टूडेंट्स की तादाद दी गई हुई है। अब नेक्स्ट हमें क्या कंडीशन बताई है, 212 मोर स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2014। जाहिर सी बात है पिछले साल जितने अपेयर हुए थे वो खत्म तो नहीं हो गए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट ईयर में है उनमें कितने का इजाफा हुआ है, 212 मोर, यानी के 2013 में जितने हैं उनमें मजीद 14 में 212 आ गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये मेथड पता होना चाहिए कि मोर का क्या कनेक्शन है। मोर यानी कि इजाफा हुआ है, पिछले को इंक्रीज किया है, यानी कि 483 में जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 रुपीज पहले से मौजूद है, मैंने उसमें 2 रुपीज मोर ऐड कर लिए हैं तो डेट इज बिकम 7। इसी तरह हम इसी को भी देखेंगे, देयर वर 3 टाइम्स एज मैनी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता होगी इसको देखें आप, फिर तभी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के साथ। सबसे पहले हमने देख लिया कि स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की तादाद है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें आपने सोल्यूशन लिखना लाजमी है सॉल्व करने से पहले, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2013 यानी कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 483। 212 स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2014 मोर, यानी कि 2014 में मजीद कितने हुए, यानी कि पहले कितने थे 483, उसमें 2212 मजीद आ गए, यानी कि मोर आ गए। तो हम यानी जब भी मोर की बात आएगी तो हम पहले वाली अमाउंट में नेक्स्ट अमाउंट को ऐड करेंगे। ओके, ऐड करके देख लेते हैं, 3 and 2, 5 रफ वर्क है ये भी आपका, इसमें आपने प्रॉपर एक लाइन लगाई हुई है साइड पे, पहले ही आपने पैटर्न रेडी किया हुआ है, 8 and 1, 9, 4 and 2, 6, यानी कि टोटल 2014 में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 695 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हो गए 2014 में, 695। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम वो क्या बता रहा है, There were 3 times as many students in 2015 than 2014. अब 2015 में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी हो गई है, जितनी 2014 में थी उससे 3 गुना ज़्यादा, 3 times का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा। जब भी 3 times की बात करेंगे यानी कि हम उनको जितने भी times की बात हो रही होती है हम उनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मीन्स के 2014 की अमाउंट हमें पता चल गई, अभी आपने निकाली है, अब 2015 की अमाउंट कैसे हमें फाइंड आउट होगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2015 में कितने हुए, 3 times ऑफ 2014 का 3 टाइम्स हमने लेना है, तब हमें जाके कौन से स्टूडेंट्स मिलेंगे, 2015 के स्टूडेंट्स जो कि अब एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। तो 3 टाइम 2014 में कितने थे, 695 स्टूडेंट्स, उनका 3 टाइम लिया मींस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इजीली आंसर आ गया। ब्रफक में देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी गिवन है, इसी को हम मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 5 15, 1 कैरी, 3 टाइम 9 इज 27 एंड 28, 3 2 कैरी, 3 टाइम 6 इज 18, 19 एंड 20।
तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2015? 200, 2085. इज डेट क्लियर? 2085 स्टूडेंट्स. जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट्स में बताया हो, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे हमने रुपीज़ के अमाउंट के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके साथ उसका यूनिट लाजमी लिखेंगे वैल्यू के रुपीज़ में हम बात कर रहे हैं. अब हमें स्टूडेंट्स की तादाद बताइए तो साथ हम आंसर ज़रूर लिखेंगे, खाली अमाउंट नंबर नहीं लिख देना. आपने साथ ये भी बताना है कि वो क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो अभी देखें, हमने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया. हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन 2015, यानी कि 2015 में तीन गुना थे. अब इसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए आपने इन्हीं क्वेश्चन को, इस पूरी एक्सरसाइज को पेज नंबर 33 पे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि आपकी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है. इज डेट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.